बीए बीकॉम बीएससी एमए एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स डीएवी पीजी कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। सिवान में पत्रकार राजदेव रंजन की 7वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस मौके पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। शहर के पत्रकार भवन स्थित पत्रकार राजदेव रंजन स्मृति सभागार में युवा पत्रकारों की टीम द्वारा पुण्यतिथि मनाई गई। इस मौके पर नगर परिषद उपसभापति किरण गुप्ता, पूर्व उपसभापति बबलू शाह, समाजसेवी श्रीनिवास यादव, स्मृति मुकुंद और सभी पत्रकारों ने उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित कर नमन किया और उन्हें एक निर्भीक पत्रकार बताया। बहुत ही बेबाक पत्रकार थे, हमेशा सत्य लिखते थे और कहा जाता है कि जो भी सत्य लिखता है उसके पीछे लोग इस तरीके से पढ़ जाते हैं, चीजों को उजागर होने नहीं देना चाहते हैं। और ठीक वही इनके साथ भी हुआ। राजदेव रंजन जी की गोली मार के हत्या कर दी गई और बहुत खुशी है। और साथ में यहाँ जो भी लोग उपस्थित हैं उनका बहुत ही आभार व्यक्त करती हूँ मैं कि आप लोग उनको, उनके विचारों को जिंदा रखते हैं। और उनके घर के सदस्य और बाकी जो भी पत्रकार महोदय हैं, मतलब उनसे मैं, मेरी यही आशा है कि आगे भी ये इसी तरीके से ये सारी चीजें मनाई जाए और भी भव्य तरीके से मनाई जाए, क्योंकि ऐसी ऐसी शख्सियत जो है वो बहुत कम जन्म लेती है। और आप लोगों ने उनके विचारों को जिंदा रखा है, ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग आगे भी ऐसे ही मनाएंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और एक बार फिर से इनके चरणों में अपना नमन करती हूँ और इनको श्रद्धांजलि देती हूँ। धन्यवाद। रंजन जी जो सिवान के एक निडर पत्रकार थे, इनके बारे में कोई परिचय देना नहीं है। जो भी उस समय के पीरियड में राजनीति करते थे लोग, वो हिंदुस्तान के चीफ ब्यूरो हुआ करते थे और निडर पत्रकार हुआ करते थे। और सही मायने पत्रकारिता क्या कहलाता था, पत्रकार का क्या फर्ज होता है, उन्होंने निभाया है। वो एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने हर एक सिवान की जनता का आवाज उठाया है। जहां भी अत्याचार हुआ है फूल को उन्होंने लिखा है। वो हमेशा निडर होकर अपनी बातों को, सिवान की जनता के आवाज को, सिवान के लोगों को जहां भी कुछ घटना घटती थी खुल कर लिखते थे। उनको रोकने के लिए बहुत सारे फोन, बहुत सारे ताकत लगी और फोन से कहा गया कि आप ये सब मत लिखिए नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन फिर भी उन्हें झुके नहीं, लगातार लिखते रहे, जिनका नतीजा हुआ कि यही डीएवी कॉलेज के पास उनकी गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई। जो उस दिन बहुत ही सिवान वासियों के लिए, खासकर पूरे पत्रकार जगत में बहुत ही बुरा दिन था, काला दिन था। कहा जाता है कि पत्रकार एक ऐसा चीज है, मीडिया लोग ऐसे चीज है जो गरीब जनता की आवाज होते हैं। उन्हीं का आज देन है, उन्हीं का देन है कि बहुत सारे, कोई बुरा बात नहीं मानेगा, बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जो किसी एक पक्ष के बारे में लगातार उनके गुणगान गाते रहते हैं। लेकिन जो निडर पत्रकार होते हैं, जो सही मायने पत्रकार होते हैं, जो देश के लिए, जो समाज के लिए, जो जनता के लिए सोचते हैं, वो हमेशा सच छापते हैं और सच झुकता नहीं है, सच हमेशा आगे चलता रहता है। और उन्हीं लोग का कुछ पत्रकार का देन है कि आज हम लोग का देश और पत्रकार का जो मान सम्मान है, जो टीका है, ऐसे सख्त थे राजदेव जी। उनके बारे में जितना कहा जाए बहुत कम है, लेकिन आप लोग युवा साथी पत्रकार हैं, आप लोग भी बहुत जगह पत्रकारिता के माध्यम से जब लिखते होंगे, कोई समाचार बनाते होंगे तो बहुत ज्यादा फेस करते होंगे, बहुत जगह आप लोग भी फोन आता होगा। लेकिन फिर भी आप लोग अपने सूझ और समझ के साथ एक सच्चाई को कभी छुपाना नहीं है, सच्चाई को हमेशा लिखते रहना है, क्योंकि सच्चाई जिस दिन छुप जाएगी उस दिन देश और समाज हमेशा टूट जाएगा। देश और समाज के लिए, एक गरीब के जनता की आवाज के लिए, शहर के विकास के लिए, अपने दिल की आत्मा को सुनकर हमेशा लिखते रहना है, अच्छा और सच्चा दिखाना है, ताकि आप लोग भी निखार है और सच्ची शहादत वो होगी जो स्वर्गीय राजदेव जी के कदमों पर चल के इनके सच्चाई को, जो ये सच जो अपने कलम से सच लिखते थे,
आप लोग लिखिए लोग। दमा, फेफड़ा, कैंसर, टीबी जैसी बीमारियों से हैं परेशान, तो ईमान टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट, चकिया रोड, सीवान।